सभी मेरे छात्र छात्राणियों को प्यार भरा नमस्कार। आज के जो क्लास में और एक आधुनिक कविता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। कविता का जो शीर्षक है, हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी। मूल स्वरूप में ये जो कविता कविता नहीं है, गजल है। और प्रस्तुत जो गजल को दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, और दुष्यंत कुमार जी के बारे में हम लोग जानते हैं, दुष्यंत कुमार जी एक कवि, गीतकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं आलोचक के रूप में साहित्य क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और प्रस्तुत जो गजल में उनका जो बोधगम्य जो आवाज, उनका जो आशय यह है कि जब भारत देशवासी सो रहे हैं, निद्रावस्था में हैं, स्लीपिंग, और उन जो सोए हुए जो आदमी को जागृत करना चाहता है कवि, कैसे? अपने जो गजल के माध्यम से। और इसलिए उन्होंने लिख रहे हैं, हो गई है पीर पर्वत सी। पीर पर्वत सी, पीर शब्द का जो अर्थ है पीड़ा, और पर्वत सी मीन्स पर्वत के समान, यानी समस्या है, कष्ट है, दुख है, उसे किस प्रकार हम लोग हल करना चाहिए। अपने ज्ञान की जो जांच से, अपने जब नॉलेज से उस जब समस्या को किस प्रकार हल करना चाहिए, ये क्या है? आदमी के जो परम तत्व होना चाहिए। समस्या है, समस्या है, रोते हुए अगर घर में बैठे हैं, समस्या बड़ा हो जाएगा, कष्ट ज्यादा हो जाएगा, पीड़ा और ज्यादा हो जाएगा। और इसलिए भारत देशवासी क्या है, जब पीर बन गए हैं, पीड़ा में बन गए हैं। कैसी पीड़ा है? जागृति का जो मतलब भी उन लोगों को मालूम नहीं है। जागृति यानी क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। और इसलिए जो सोए हुए आदमी को उन्होंने उठाना चाहता है, कैसे? देखिए उनके जो गजल को देखिए, गजल शब्द का जो अर्थ है, शब्द समूह, वाक्य, वाक्य वाक्य में भावुकता का जो कविता गजल है, शब्द समूह से वाक्य बनता है, कैसे? व्याकरण निष्ठता के साथ। और उस जब वाक्य पद के रूप में है, कैसे? भावुकता के रूप में है, उसे कहेंगे हम लोग गजल। और गजल उर्दू कवियों का जो देन है, और गजल मूल स्वरूप में उर्दू भाषा की जब क्या है, देन है। और उर्दू के यानी आप अगर हिंदी में अगर गजल पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें उर्दू शब्दों का जो समूह को हम लोग देखते हैं, और वो क्या है, वो गजल सुरीले आवाज में रहते हैं। सुनाद यानी कान के लिए जब सुनते ही हमको क्या लगता है, बहुत मधुरता के साथ, यानी हमको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे गजल रहते हैं। और जैसे आधुनिक कवि जगजीत सिंह जी के हम लोग गजलों को हम लोग सुनते हैं, और अनेक जब पंकज उजास जी के जब गजलों को हम लोग सुनते हैं, उनके जो गजल्स फिल्मी गीत के जैसे नहीं रहते, बहुत बोधगम्य आवाज, अर्थगर्भित जो वाक्य, अर्थगर्भित जो पद्य उसमें रहता है। ऐसे ही दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखित ये जो गजल देखिए, उन्होंने प्रथम जो शब्द यानी प्रथम जो वाक्य में ही उन्होंने लिख रहे, देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देखिए जागृति का जो आवाज, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, यानी जो बर्फ है, जो आइस है, उसे पानी निकलनी चाहिए। अगर वो ऐसे ही बर्फ के जैसे है, वो क्या हो जाएगा, निरुपयुक्त हो जाएगा। गंगा क्यों चाहिए, पानी क्यों चाहिए? जीव जल के लिए, जीव के लिए, हाँ, जीव के लिए क्या चाहिए हमको, पानी चाहिए। और इसीलिए कहेंगे जीव जल। और हिमालय के जो बर्फ जो है, जो आइस है, उसे पानी निकलना ही चाहिए।
और उन्होंने फर्स्ट लाइन में जो कहते हैं, देखिए यानी सर्वप्रथम उन्होंने यह लिखते हैं कि हो गई है पीर पर्वत से फिगलना चाहिए, फिगलनी चाहिए, यानी वो क्या है, जब पर्वत फिगलनी चाहिए, कैसे, हिमालय से जो पानी आना ही चाहिए। और आगे लिखते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यानी देखिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, ये जो दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। ये बुनियाद, बुनियाद शब्द का अर्थ नींव, यानी वो हिलनी चाहिए। अगर वो बुनियाद ही नहीं हिल रहा है तो क्या नहीं है, फायदा नहीं है। शर्त, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त हमने जो हमारा जिद्दी जो कहेंगे, जिद जो कहेंगे, हम लोग कैसे बनना चाहिए, जिद्दी बनना चाहिए। कैसे जिद्दी, आतंकवाद के रूप में नहीं बनना चाहिए, नायक के रूप में बनना चाहिए, हीरो के जैसे, खलनायक के जैसे नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा जो शर्त और हमारा जो एम, वो कैसे है, औरों को उपयोगकारी होना चाहिए। वो शर्त पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। वो क्या है, उसे कहते हैं समाज सुधार का, वही लिख रहे हैं दुष्यंत कुमार जी। ये गजल में उन्होंने क्या है, एक नए आवाज, एक नए जो संदेश, एक नए जो आशय, उन्होंने यह कह रहा है। कैसे है शर्त, जिद्दी कैसे होना चाहिए आदमी, समाज सुधारक के रूप में हम लोग जिद्दी होना चाहिए। और आगे लिखते हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। देखिए, लाश, डेड बॉडी, उन्होंने कहता है लाश भी हिलना चाहिए। इस प्रकार हम लोग जागृति करना चाहिए। कैसे, उन्होंने लिख रहा है, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इस प्रकार हम लोग कर्मयोगी बनना है। हम लोग सोए हुए आदमी हैं, साइंटिस्ट, विदेशी लोग, विज्ञानी लोग, विदेशी लोग, तंत्रज्ञान उनके हाथ में है। जैसे चीना जैसे जो देश तंत्रज्ञान में बहुत ही प्रसिद्ध है ना, हर एक क्षेत्र में हमारे जो भारत देश झंडा लगाना चाहिए। उनका उद्देश्य क्या है, लाश, डेड बॉडी भी हिलना चाहिए। इस प्रकार का जो रिसर्च, जो संशोधन, हम लोग अनुसंधान, जो हम लोग संशोधक बनना चाहिए। लाश भी हिलना चाहिए शब्द का अर्थ क्या है, लाश भी हिलना चाहिए मीन्स हम लोग लाश जो है, लाश को जीव भर के और उनको उठाना चाहिए। अर्थ क्या हुआ, वही संशोधन, यानी मर, यानी शाश्वत तत्व क्या है, जब आज जन्म हुआ है, आज ही मरण है, जन्म और मरण के बीच में क्या है, काल की जो पाबंदी है, 50 साल 60 साल 100 साल, है ना, किन जीव का जो जन्म हुआ है उसका मृत्यु क्या है, निश्चित है, वो परम तत्व है। लेकिन जन्म के बारे में रिसर्च हुआ है, मरण के बारे में रिसर्च नहीं हुआ है, संशोधन नहीं हुआ है। आदमी क्यों मर रहा है, संशोधन कीजिए, वही उन्होंने लिख रहा है, वही बोधगम आवाज उन्होंने लिखता है। क्या, हिमालय से पानी आना चाहिए। लाश हिलता हुआ, लाश हिलता हुआ सड़क पर आना चाहिए। इस प्रकार की जो संशोधक आप बनना है, यानी उनका जो उद्देश्य है क्या है, संशोधन कीजिए, संशोधक बन जाइए और हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। यानी लाश चलनी चाहिए मींस अर्थ क्या है, इसका जो परिभाषा यह है कि क्या है, आदमी संशोधक बनना चाहिए। आदमी का जो मरण दूर कर सकते हैं, है ना, और आदमी का जो मरण मात्र दूर कर सके, डॉक्टर्स वैद्य क्या करते हैं, आदमी का मरण दूर कर सकता है, लेकिन आदमी का जो मरण निश्चित है उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। यानी वही जो बोधगम्य आवाज, वही बोधगम्य जो आशय के साथ कवि इधर गजल में लिख रहे हैं। और देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, लाश हिलना चाहिए, मीन्स हंगामा मचाना। बड़प्पन की जो बात मेरे गजल में नहीं है, मेरा कविता का सार नहीं है, सिर्फ हमारा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हंगामा यानी वट 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 करना, बार बार बोलना, वही बड़प्पन की जो बात करना, ये मेरा मकसद, ये मेरे आशय, मेरे गजल की जो चिंतन ये नहीं है। मेरा क्या है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश क्या है, ये सूरत ही आदमी के जो सूरत ही बदलना चाहिए, भारत देश की जब सूरत ही बदलना चाहिए। इस प्रकार का जो मकसद, इस प्रकार का जो आशय मेरा है, मैं क्या हंगामा मचाने के लिए और हंगामा खड़ा करने के लिए मैं इस प्रकार गजल को नहीं लिख रहा हूँ। मेरा आशय यह है कि क्या है, एक नए संदेश, एक बोधगम्य आवाज, वो एक जागृति का जो आवाज, एक आधुनिकरण का जो आवाज भारत देश में होना चाहिए, भारत देश में चिंतन होना चाहिए। इस प्रकार के जब चिंतन यानी मौलवियों का जो चिंतन इस भारत देश में होना चाहिए, ये मेरा मकसद है, ये मेरा एम, मेरा उद्देश्य है। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत ही बदलनी चाहिए। भारत देश में कितने कष्ट है, कितने समस्याएं हैं, कितने प्रॉब्लम्स जो है, सभी जो प्रॉब्लम्स, सभी जो समस्याएं ये सॉल्व होना चाहिए, समस्या का जो हल करना चाहिए। और उस समय मात्र भारत देश क्या बन जाता है, इस विश्व में ही प्रसिद्ध बन जाता है। और अंतिम चरण में उन्होंने लिखते हैं, देखिए, मेरी सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में हो या तेरे सीने में हो, क्या है, जब आग जागृति का जो आग लगना चाहिए, मेरे सीने में हो या तेरे सीने में हो, जागृति का जो आग लगना चाहिए और ये आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में हो या तेरी सीने में हो, आग है ना, एक नए संदेश, एक नए उत्साह, एक नए उम्मीद, एक नए आशय अपनी सीने में हो या मेरी सीने में हो, वो उत्पन्न होना चाहिए। ये उत्पन्न होके ऐसे ही नहीं बैठना है, वो बाहर आना चाहिए, टू एक्सप्रेस, अभिव्यंजना होना चाहिए। और वही जो आग यानी आग यानी गजल में आग लगाने के लिए यानी जब कविवर बता रहे हैं, ऐसे नहीं है। कवि का जो चिंतन है, कवि का जो आशय है, उनका जो एम, उनका जो उद्देश्य है कि क्या है, ये जो नए बोधगम में जो आवाज का जो चिंतन होना चाहिए, और वो तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो, वो बाहर आना चाहिए, लोकार्पण करना चाहिए, लोक को अर्पण करना चाहिए, इससे समाज को उपयोगकारी हो, इस प्रकार का जो संशोधन आपसे होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही जागृत करने लायक एक आशय के साथ एक गजल को लिखे हैं। प्रथम जो स्टांजा में, पद्य में, प्रथम जो पद्य में उन्होंने यह लिखता है कि हिमालय से पानी निकलना चाहिए। विज्ञानियों चुपचाप बैठे हैं, हिमालय की जो पानी हमको उपयोग करना, हमारे जब देश को, देशवासियों को उपयोग होना चाहिए, इस प्रकार की जो काम कीजिए। दूसरी जो स्टांजा में उन्होंने लिख रहे हैं, यानी जब इस दीवार ही हिलना चाहिए, और इस जब बुनियाद ही हिलनी चाहिए, यानी ये दीवार है, वो दीवार हिलने जैसे, यानी इस प्रकार का जो शक्ति, इस प्रकार का जो ताकत, इस प्रकार का जो ज्ञान आप में आना चाहिए, यानी ज्यों का त्यों आप लोग सोचना चाहिए, और आपके आप में शक्ति कैसे होना चाहिए, इस दीवार को हिलने लायक, इस जग को हिलने लायक, जग को हिलने लायक मीन्स एक नए जो क्रांति, नए जो रेवोल्यूशन लाने लायक आप लोग कोशिश करना चाहिए। तीसरे स्टांजा में लिख रहे हैं, सड़क पर हो, गली में हो, नगर में हो या गांव में हो, लाशें क्या होना चाहिए, चलनी चाहिए, डेड बॉडीज चलनी चाहिए। ये क्या ये संभव है, ये आज तक असंभव है, और आगे आने वाले जब
काल में, भविष्य में लाश भी हिल सकते हैं, एक रूप में संभव है। इस प्रकार का जो आशय तो रखिए, इस प्रकार का जो आशय तो रखिए, है ना, ये तो असंभव है, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो आशय आप में होना चाहिए, 1+1=2, 1+1=2 है, 3 कीजिए, रिसर्च नहीं हुआ ना अभी। इस प्रकार के जो अर्थ, लाशें हिलना चाहिए मीन्स, और लाशें जब चलनी चाहिए मीन्स, इस प्रकार की जब रिसर्च आप करना चाहिए, संशोधक बन जाइए। और उन्होंने लिख रहा है, मेरा सिर्फ ये हंगामा करने की जो बात नहीं है मेरे, मैं इस प्रकार कह के हंगामा करने की जो इच्छुकता मेरा नहीं है, ये क्या है, सत्य होना चाहिए, सच होना चाहिए, है ना, एक नए नए बात, यानी एक नए नए भाषण करके मैं आपको उल्लू बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं, आप लोग साधक बनने की ओर, संशोधक बनने की ओर मेरा आशय है। आप लोग जागृत रहिए। और इंडियंस क्या है, भारतवासी, भारत देश के जनसमूह कैसे हैं, सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है, कहनी और जो करनी में बहुत अंतर है। इंडियन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। जैसे राजनेता पॉलिटिशियंस देखिए, वो इलेक्शन में क्या सभी जो अश्योरेंस देते हैं, है ना, मैं एमएलए होने के बाद, एमपी होने के बाद, मैं प्रधानमंत्री होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद, वो करूंगा, ये करूंगा, 100% कहते हैं, 10% तो करते हैं, 100% में 10% तो करते हैं, कुछ नहीं है। और इसलिए कहते हैं इंडियंस, भारतवासी सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। विदेशी लोग फर्स्ट करते हैं, बाद में कहते हैं, वही जो अंतर है, डिफरेंसेस है। यानी क्या है, विदेशी लोग फर्स्ट साधन करते हैं, बाद में कहते हैं, इंडियंस फर्स्ट कहते हैं, करते कुछ नहीं है, ये डिफरेंस है। लेकिन इसलिए उन जो लोगों को दुष्यंत कुमार जी अपने गजल के माध्यम से लिख रहे हैं, हंगामा करने की जो बात मेरा नहीं है, शोर मचाने की जो बात मेरा नहीं है, मेरा आशय है क्या है, ज्यों का त्यों करना है। ज्यों का त्यों मीन्स जो भारत देश प्रगति पथ पर लाने के लिए, भारत देश अभिवृद्धि पथ पर आने के लिए हम लोग सब लोग जागृत रहना है, कर्म करना है, कर्मयोगी बनना है। सिर्फ भाषण से कुछ नहीं होगा, कर्म से होगा, कर्मयोगी बनिए। इस प्रकार की जो आवाज में उन्होंने लिखते हैं, लिखते लिखते अंतिम जो चरण में उन्होंने लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मेरे सीने से हो या तेरे सीने से हो, रिसर्च संशोधन तो होना ही चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए मीन्स एक नए जो आवाज, नए जो रेवोल्यूशन आना ही चाहिए, वही आग के रूप में उन्होंने अंतिम जो चरण में लिख रहे हैं, मेरे सीने से हो या तेरे सीने से हो, ये जो आग जलनी चाहिए, ये जो रेवोल्यूशन होनी चाहिए, ये जो क्रांति होनी चाहिए, ये होना जरूरी है। इस प्रकार दुष्यंत कुमार जी ने जब अपने हो गई है पीर पर्वत सी कविता गजल के माध्यम से उन्होंने लिखे हैं, और प्रस्तुत जो गजल में क्या है, बोधगम में आवाज क्या है, जागरण करना है, जागृति करना है। और आप लोग जानते हैं अभी COVID-19 के बारे में और कोरोना के बारे में, अभी सभी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आपको एक नोटिस हमेशा जो मोबाइल के रूप में और इलेक्ट्रिकल मीडिया के रूप में, अखबार के रूप में पब्लिश करते हैं, कोरोना से जागृत रहिए। कैसे रहना है जागृत, सोशल डिस्टेंस, सामाजिक अंतर, मास्क, और मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंस अनिवार्य है, और सैनिटाइजर से हाथ धोना अनिवार्य है। इस प्रकार के जो नए नए जो संदेश को आप लोग रोज देखते हैं, क्यों, ये महामारी बहुत भयानक है ना, कितने लाश पड़ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, ये विश्वव्यापी है, इसका जो इलाज अभी रिसर्च नहीं हुआ है, संशोधन विश्व में ही अभी नहीं है, संशोधन कर रहे हैं विज्ञानियों ने, है ना, इसी जो गजल के माध्यम से कोरोना जैसे जो महामारी जो विश्वव्यापी है,
जो विश्व भर में फैला हुआ है, इसका जो इलाज के लिए, इसका जो औषध के लिए, इसके जब मेडिसिन के लिए रिसर्च हो रहा है, वही पीड़ा है विश्व के लिए। क्या पीड़ा है? कोरोना पीड़ा है, पीड़ा है ना। उस जब पीड़ा को दूर करने के लिए वैक्सीन अनिवार्य है, औषधि अनिवार्य है ना। इसलिए और गजल में वही जो आवाज है, जो देश भर में, विश्व भर में कैसे जो समस्या है, इसका जो हल करना अनिवार्य है ना। वही जो बोधगम्य एक नए संदेश के साथ कवि ने लिख रहे हैं, वही जो गजल है। और मेरे प्यारे जो छात्र छात्राणियों, और मैंने मोबाइल में आप लोग मेरे जब क्लास को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ जो मैसेजेस मैंने पढ़ रहा हूँ, नोट्स डालिए सर, नोट्स। अभी जो फिलहाल मेरा पांचवा क्लास है ना, अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, आपका एडमिशन भी अभी ठीक नहीं है, यानी आपका एडमिशन भी अभी नहीं हुआ है ना। और हमारा आशय है अभी अगले महीने से कॉलेज शुरू होगा और क्लासेस भी शुरू होगा, अभी एक डेढ़ महीने में वगैरह होंगे शायद मेरे, हमारा जब आशय मेरा चिंतन है, और उस समय मैं आपको लिखवा दूंगा नोट्स, और नोट्स भी दूंगा। अभी सिर्फ आप लोग क्या करना है, मेरे जो क्लास को सुनना है और पाठ और हिंदी बुक लेकर उस जब पाठ के बारे में पढ़ना है। आपको कौन से भी एक समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मैं इसका जो उत्तर दूंगा। ये कहते हुए आज का जो क्लास मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।